सो ही गाइज़ वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न विथ फन बायोलॉजी। सो गाइज़ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द ऑर्गेनिक कॉज ऑफ मेनोरेजिया के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद इन द सेकेंड वीडियो मैंने आपसे बात की थी अबाउट द मेनोरेजिया। ठीक है, तो मेनोरेजिया के बारे में बताया था, मेनोरेजिया जिसको हम हाइपर मेनोरिया भी कहते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मेनोरेजिया होता क्या है। डिफाइंड एज साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल्स बट ब्लीडिंग इज आइदर एक्सेसिव इन अमाउंट। ठीक है, मतलब कि 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ड्यूरेशन इज मोर देन 7 days, या फिर दो चीज़ें भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सो पेल्विक रीजन्स क्या क्या हैं? फाइब्रॉइड यूट्रस, या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, एडिनोमायोसिस, पेल्विक एंड्रोमेट्रोसिस, IUCD इन यूट्रो, क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, मतलब कि क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास प्रेजेंट हो पेल्विक एरिया में, ट्यूबरकुलर एंड्रोमेट्राइटिस, रेट्रोवर्टेड यूट्रस ड्यू टू कंजेशन जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी। अब हम अगर सिस्टमिक कॉज की बात करें, सो लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीवियर हाइपरटेंशन। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। आफ्टर दैट हिमाटोलॉजिकल कॉज आर द इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ल्यूकीमिया, वॉन बिलीब्रांड डिसीज एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो गाइज दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कॉज ऑफ अ मेनोरेजिया। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोरेजिया, कि क्या क्या डायग्नोसिस हो सकती है मेनोरेजिया की। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, जो फ्लो है वो लंबे टाइम पे हो रहा है। पासिस ऑफ बिग क्लॉट्स, आप ये देख सकते हो, मतलब कि जब ब्लीडिंग होगी तो उसमें क्लॉट्स बड़े बड़े पास होते हैं। ठीक है, पासिस ऑफ बिग क्लॉट्स। यूज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ थिक सैनिटरी पैड्स, मतलब कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नंबर के, वो भी थिक सैनिटरी पैड यूज़ करेगी, क्योंकि मेनोरेजिया में क्या हो रहा है, एक तो थिक ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, वैसे तो ये साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है बट अमाउंट उसका ज़्यादा है और ज़्यादा दिन तक हो रही है, उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। और पेशेंट में हमें पैलर देखने को मिलेगा, क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स वाई एनीमिया हो सकता है पेशेंट में। लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, गिव आइडिया अबाउट करेक्ट डायग्नोसिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मेनोरेजिया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर जो कि हमें एक डायग्नोस बना सकते हैं हमारे लिए मेनोरेजिया की। आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट फॉर द मेनोरेजिया। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनोरेजिया फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ मेनोरेजिया। अगर हमें मेनोरेजिया को ट्रीट करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि उसका कॉज क्या है, बिकॉज विदाउट कॉज हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं मेनोरेजिया के पेशेंट को। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा कॉज हो सकता है या फिर इसके अलावा कोई और भी कॉज है। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग सो मेनी मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड इफ यू वॉन्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोज लाइक फॉर द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड फॉर द मेनोरेजिया, सो मस्ट वॉच द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।